एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक कैलीग्राफी बनाऊंगी जिसका टाइटल है फर्स्ट कलमा, और इसके साथ एक शर्ट बनी होगी। ये कमीशन वर्क है। ब्रशेस मैं जो भी यूज़ करूंगी वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। और अभी मैं कैनवस को ब्लैक कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है और उसके ऊपर मैं वाइट से कैलीग्राफी करूँगी। कैनवस मैं यहाँ पर 12x24 का यूज़ कर रही हूँ। पूरे कैनवस को ब्लैक करने के बाद मैं पेंसिल से कैलीग्राफी कर लूँगी, मतलब मैं पेंसिल से लिख लूँगी क्योंकि मैं डायरेक्ट ब्रश से नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आती नहीं है डायरेक्ट करना, इसलिए मैं पेंसिल से पहले लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ। यहाँ पर जब मैंने टेप रिमूव किया तो पीछे से कलर भी रिमूव हो गया। एक्चुअली मैंने न्यू कलर यूज़ किया था, MG का कलर था वो, और जिसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं वैसे मैरीज़ के कलर यूज़ करती हूँ। यहाँ पर पहले मैंने इस तरह से टेप लगाकर और इसमें मैं बीच में सिल्वर कलर फिल कर दूँगी। कलमा मैंने पहले लिख लिया था और अभी मैं इसको आउटलाइन करूँगी और फिर मैं उसके अंदर कलर फिल करूँगी। मैंने कैलीग्राफी कहीं से सीखी भी नहीं है तो इसलिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट कर लेती हूँ। ये कैलीग्राफी ऑलमोस्ट 8 आवर्स में बनी थी और इसके रिज़ल्ट सबको काफ़ी पसंद आए थे। मैं हर चीज़ की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, मैं कैलीग्राफी बनाती रहती हूँ जिससे मेरी कैलीग्राफी इम्प्रूव होती रहती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद टाइम लैप्स लगाती रहूँगी वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस पूरी कैलीग्राफी में मैंने सिर्फ 2 ब्रशेस यूज़ किए हैं, एक पूरे कैनवस को ब्लैक करने के लिए यूज़ किया है और दूसरा ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा मैंने कोई और से ब्रश नहीं यूज़ किए हैं। मैं पेंटिंग और कैलीग्राफी के लिए मैरीज़ के कलर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं और कोई से भी कलर यूज़ करती हूँ तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता और मैं हमेशा डिसअपॉइंट होती हूँ। मैंने इस बार MG का ब्लैक कलर यूज़ किया था बट जब मैंने टेप रिमूव किया तो पीछे से कलर भी रिमूव हो रहा था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर मैंने दूसरा ब्रश ले लिया था बट मैं ब्रश वापस से चेंज कर लूँगी क्योंकि ये ब्रश यूज़ करने से ना लुक अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ इससे आउटलाइन किया और मैं बाद में पूरा फिल उसी से करूँगी। कहीं कहीं वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर मैंने आधा उस ब्रश से फिल किया लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने वापस से वही ब्रश ले लिया। यहाँ पर मैं मोस्टली जगहों पर टाइम लैप्स लगा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और यहाँ पर वीडियो फिर से ब्लर हो गई। इस कैलीग्राफी में जो मैंने वाइट कलर यूज़ किया है वो भी मैरीज़ का है और जो सिल्वर यूज़ किया है वो भी मैरीज़ का है। अगर आप लोगों को इसी तरह की पेंटिंग्स और कैलीग्राफी बनवानी हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट पहले पेंसिल से ड्रॉ कर ली थी और फिर मैं वाइट कलर यूज़ करते हुए इसको आउटलाइन कर रही हूँ। ब्रश मैंने वही यूज़ किया है और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर कलर फिल कर दूँगी। कैलीग्राफी पे मैं वर्निश स्प्रे कर रही हूँ ताकि शाइन आ सके। और ये रहा कैलीग्राफी का फाइनल लुक। होप यू गाइज लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।